गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? तो होपफुली आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे एंड अपनी जोशों से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। इसी बीच आपको पता है कि आज संडे है। संडे मींस वैकेंसीज, लॉट्स ऑफ वैकेंसीज इन न्यूज़पेपर। अगर आप लोगों ने न्यूज़पेपर नहीं लगाया है तो नो प्रॉब्लम विद दैट। आप लोग अपने मोबाइल डाटा का यूज़ करके भी मेरी वीडियोज़ को देख के जितनी भी वैकेंसीज आती हैं हमारी संडे की, ट्यूसडे की, थर्सडे की, मैं आप लोगों को ऑलवेज़ अपग्रेड करती रहती हूँ और कोशिश करती हूँ कि कोई भी वैकेंसी मुझसे ना छूटे। इसी बीच मेरी वीडियो को देखने के बाद अगर आपको लगता है कि आपको इस जगह की वैकेंसीज चाहिए तो डेफिनेटली मैं आप लोगों के लिए वैकेंसीज लेके आऊँगी। तो आज भी बहुत सारी वैकेंसीज हैं हमारी, तो और ये सारी की सारी वैकेंसीज जो है आज की वैकेंसीज हैं। एक और खास बात ये है इसमें कि इट इज़ फ्री ऑनलाइन एप्लीकेशन। इसमें आपको स्कूल में जाके कहीं पे फॉर्म फिल नहीं करना है। एज़ यू नो कि अगर हम स्कूल में जाके रिसेप्शन पे जाके फॉर्म फिल करते हैं तो हमारे 100 रुपये, 50 रुपये, 150, 200 रुपये कई बार लग जाते हैं। बट इसमें आपको क्या करना है, या तो आपका अपना ईमेल करना है सीवी को, अपने अपडेटेड सीवी को, अपडेटेड रिज्यूमे को, या जो इनकी वेबसाइट पे एप्लीकेशन फॉर्म दे रखे होते हैं उनको फिल करना है। मैं आप लोगों को साइड बाय साइड बताती रहूँगी कौन से स्कूल में कौन सा क्या करना है। तो आज की वैकेंसीज जो हैं अभी ऑल ओवर दिल्ली की हैं। आई नो आप लोगों ने मुझे एक तो गुरुग्राम की बोला है, इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको गुरुग्राम की वैकेंसी डेफिनेटली बताऊंगी और आज ही बताऊंगी 100%। दैट इज़ माय प्रॉमिस। गुरुग्राम वाले जितने भी हैं तो डेफिनेटली इस दिल्ली के अलावा अगर कहीं की भी जगह आपको चाहिए तो आप मुझे प्लीज़ इसी वीडियो के अंदर मैसेज कर देना ताकि मैं गुरुग्राम के साथ उस जगह की वीडियो भी बना सकूं। यस, एक और आप लोगों ने मुझे बोला था सोनीपत हरियाणा, तो मैं वो भी वीडियो के अंदर आपकी इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगी। दिल्ली के बाहर के अगर आप लोग हैं तो डेफिनेटली मुझे बताएं कि आपको कौन से सब्जेक्ट की कौन सी वैकेंसीज चाहिए, कौन सी जगह पे चाहिए, तो मैं डेफिनेटली इसी वीडियो में अगर करेंगे तो मैं कर पाऊंगी। तो आज की हमारी पहली वैकेंसी जो है इट इज़ फ्रॉम लॉरेंस पब्लिक स्कूल। इट इज़ अ वेरी गुड स्कूल। इट इज़ लोकेटेड इन C3, ब्लॉक C3 है जनकपुरी के अंदर। इसमें आपको करना क्या है, दे नीड ओनली फीमेल कैंडिडेट्स। पहले मैं आप लोगों को ये बता दूँ, फीमेल कैंडिडेट्स चाहिए इन लोगों को। एंड यहाँ पे जो पोस्ट निकली है इट इज़ फॉर द पोस्ट ऑफ TGT हिंदी एंड TGT संस्कृत। इसमें क्या करना है, इनका एप्लीकेशन फॉर्म इनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है, आपको वो फॉर्म फिल करना है। लिंक मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी। सेकेंडली, अगर आप फॉर्म फिल नहीं करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी में हैं, तो इन लोगों ने ये भी कहा है कि अपने CV को लेके आप सुबह 9 बजे से लेके 11 बजे तक डायरेक्टली स्कूल जा सकते हैं। तो अगर आप लोग जनकपुरी के आसपास रहते हैं या जनकपुरी के रेजिडेंस हैं तब तो मैं यही बोलूँगी ईमेल करने के बजाय कल ही स्कूल पहुँच जाइए अपना CV लेके। एंड अगर आप दूर के रेजिडेंस हैं तो आप लोग अपना इनका एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपकी जो वैकेंसी है इट इज़ फ्रॉम ज्ञानदीप विद्या भवन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। इट इज़ इन यमुना विहार दिल्ली। इसमें जो आपकी वैकेंसीज आई हैं इट इज़ फॉर द पोस्ट ऑफ TGT संस्कृत, TGT सोशल साइंस एंड PRT इंग्लिश। ये तीन वैकेंसीज हैं यहाँ पे। इसमें आपको करना क्या है, इनकी ईमेल आईडी का, इनकी वेबसाइट का लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, इनके एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। आपको सिर्फ घर बैठे बैठे एप्लीकेशन फॉर्म को अच्छे से ऑनलाइन फिल करना है, कुछ डाउनलोड नहीं करना है, ऑनलाइन फिल करेंगे। फिल करने से पहले अपने किसी भी स्कूल के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने से पहले अपने CV की सॉफ्ट कॉपी ज़रूर रखें। कोशिश करिए लैपटॉप या डेस्कटॉप से भरें, थोड़ा सा ईजी हो जाती है डिटेल्स भरनी। नेक्स्ट वैकेंसी अगेन फ्रॉम ज्ञान सागर पब्लिक स्कूल। इट इज़ इन द्वारका, द्वारका सेक्टर 8 में है ये, पालम कॉलोनी, राजनगर 2। इसमें जो आपकी वैकेंसीज आई हैं इट इज़ फॉर द पोस्ट ऑफ TGT कंप्यूटर एंड TGT म्यूज़िक। इसमें आप लोगों को कोई एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरना है, इसमें इनके ईमेल आईडी पे अपना अपडेटेड CV सेंड करना है, राइट। नेक्स्ट आपकी जो वैकेंसी है इट इज़ फॉर द पोस्ट ऑफ महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल। इट इज़ सिचुएटेड इन अशोक विहार Phase 4। इसमें आपकी वैकेंसीज जो है वाइस प्रिंसिपल की वैकेंसी है, देन दे है वैकेंसी फॉर TGT इंग्लिश एंड PRT इंग्लिश, देन NTT एंड स्पेशल एजुकेटर एंड काउंसलर। मुझे एक सब्सक्राइबर ने मेरे ये पूछा था स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी लेके आऊँ, तो ये बहुत अच्छा स्कूल है महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल। इसमें आपकी स्पेशल एजुकेटर की, काउंसलर की, दोनों की वैकेंसी है। इंग्लिश NTT, TGT इंग्लिश वाइस प्रिंसिपल भी है। आपको करना क्या है, मैं आप लोगों को इनके रिक्रूटमेंट फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक प्रोवाइड करूँगी। उस लिंक को ओपन करते ही आपके सामने फॉर्म आ जाएगा और अपनी डिटेल्स आप लोग सारी की सारी उसमें भर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी इट्स फ्रॉम राव मान सिंह सीनियर सेकेंडरी स्कूल। इट इज़ इन नजफगढ़, ठीक है, पपरावत रोड नजफगढ़। इसमें आप इन्हें
पार्ट टाइम टीचर्स भी चाहिए और फुल टाइम टीचर्स भी चाहिए, जो क्लास 9 से लेकर 12 तक की बेसिकली इनकी रिक्वायरमेंट है। AI की टीचर चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, देन दे नीड टीचर्स फॉर इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी, देन बिजनेस स्टडीज एंड एडमिन, ठीक है, एडमिन चाहिए एंड प्लस फिजिकल एजुकेशन टीचर। इसमें यहाँ पे कोई एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है, आप अपने येस बट इन लोगों ने बोला है, एक लिंक दिया है जिसमें आप अपना CV को अपलोड कर सकते हैं, अपने करिकुलम वीटे को, इसलिए बोल रही हूँ कि अपना CV की सॉफ्ट कॉपी ज़रूर रखें बिफोर फिलिंग दीज एप्लीकेशन फॉर्म्स। नेक्स्ट आपकी वैकेंसी है, इट इज़ फ्रॉम ट्यूलिप्स इंटरनेशनल स्कूल, इट इज़ इन पूथखुड, PGT फिजिक्स की रिक्वायरमेंट है एंड लाइब्रेरियन की रिक्वायरमेंट है एंड TGT साइंस एंड मैथ्स की रिक्वायरमेंट है। इसमें आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल करना है, लिंक आई विल प्रोवाइड, एंड साइड बाई साइड अपने अपडेटेड CV को इनकी ईमेल ID पे सेंड करना है, दैट ऑल्सो आई विल प्रोवाइड, राइट। नेक्स्ट हमारी वैकेंसी जो है, बहुत सारे स्कूल्स हो गए, प्लीज़ नोट डाउन करते रहिए, क्योंकि जो जो स्कूल्स आपके नियर बाय हैं जहाँ पे आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप लोग उसको अच्छे से, मैं आराम आराम से बोलूँगी। आई नो मैं बहुत तेज़ बोलती हूँ, बहुत जल्दी बोलती हूँ, ये मेरी पहले बिगनिंग में प्रॉब्लम थी, बट अब मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं थोड़ा सा धीरे धीरे बोलूँ। तो नेक्स्ट वैकेंसी इज़ फ्रॉम अभिनव ग्लोबल स्कूल, आपका अभिनव ग्लोबल स्कूल जो है, इट इज़ इन सेक्टर 13 द्वारका। इसमें आपकी PRT की इंग्लिश की वैकेंसी है, PRT हिंदी की, PRT साइंस की, PRT मैथमेटिक्स की, PRT कंप्यूटर, आप ये समझ लीजिए PRT ऑल सब्जेक्ट्स की वैकेंसी है। देन PGT इंग्लिश की वैकेंसी है, इसमें इन्होंने क्या किया है, एक गूगल फॉर्म का लिंक प्रोवाइड किया है, आपको वो गूगल फॉर्म फिल करना है एंड उसी में अपना CV को अटैच करना है एंड यू विल गेट द रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। जैसे ही आप लोगों का फॉर्म सिलेक्ट होगा, दे विल कॉल यू एज सून एज पॉसिबल। नेक्स्ट वैकेंसी इज़ फ्रॉम फेयर चाइल्ड पब्लिक स्कूल, इट इज़ इन शाद्रा हर्ष विहार। इसमें आपकी जो वैकेंसी आई है PRT की आई है, PRT मेंशन नहीं किया है, बट आई थिंक ये PRT आपका जनरल कैटेगरी का ही देनी। देन दे है वैकेंसी फॉर PGT पॉलिटिकल साइंस, देन दे है वैकेंसी फॉर मैथमेटिक्स, PGT मैथमेटिक्स, देन दे वॉन्ट फ्रॉम PRT इंग्लिश एंड TGT कंप्यूटर्स। इसमें इन्होंने कोई रिक्रूटमेंट फॉर्म प्रोवाइड नहीं किया है, आपको अपनी ईमेल आईडी, इनकी ईमेल आईडी पे, स्कूल की ईमेल आईडी पे अपने अपडेटेड CV को सेंड करना है। नेक्स्ट वैकेंसी इज़ फ्रॉम वेरी गुड स्कूल, LBS स्कूल, LBS मतलब लाल बहादुर शास्त्री स्कूल। तो आपका जो ये स्कूल है, इट इज़ इन RK पुरम। आई नो वन ऑफ द सब्सक्राइबर टोल मी टू गेट जॉब फ्रॉम RK पुरम, तो ये आप ही के लिए जॉब है, मैं आपके लिए लेके आई हूँ। आई थिंक आपने आज या कल ही मैसेज किया था कि मैं RK पुरम की वैकेंसी लाऊं, तो ये आपकी RK पुरम की वैकेंसी है। इसमें आपको करना क्या है, इसमें इनकी वैकेंसी जो है, इट इज़ फॉर द पोस्ट ऑफ PGT इंग्लिश एंड PGT फिजिकल एजुकेशन, देन TGT सोशल साइंस की दे है वैकेंसी, देन दे है वैकेंसी फॉर स्पेशल एजुकेटर, काउंसलर, डांस टीचर, स्पैनिश लैंग्वेज टीचर, स्टाफ नर्स, ये सारी की सारी वैकेंसीज हैं। इन्होंने बोला है कि इनका फॉर्म भी आप फिल करेंगे एंड साइड बाय साइड इनकी ईमेल आईडी पे अपना CV को भी सेंड करेंगे, ठीक है। अब आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, जितनी भी वैकेंसीज मैंने बताई हैं, दे ऑल आर फ्रॉम दिल्ली। अगेन आई एम रिपीटिंग, ये दिल्ली की वैकेंसीज हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं दिल्ली के अलावा कोई वैकेंसीज नहीं बताऊंगी। आई नो सोनीपत हरियाणा की बतानी है मुझे, गुरुग्राम की, ये दो जगहें मुझे याद हैं आउट ऑफ दिल्ली, पर दिल्ली के बाहर की भी अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको वैकेंसीज बताऊं, मतलब ऑल ओवर इंडिया, डेफिनेटली आप मुझे मेरे कमेंट सेशन में इसी वीडियो के नीचे मतलब बताइए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊं आप लोगों की वैकेंसीज को इंक्लूड करके बनाऊं। एंड 100% मैं कोशिश करूंगी कि मैं आज ही वो मतलब 9:30-10 बजे से पहले ही वो अपलोड कर दूँ। सो टिल द टाइम, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। एंड एक और चीज़, अगर आप लोगों को जिस भी आप स्कूल में अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप लोगों को कॉल आती है, तो हमेशा एक डेमो के लिए, एक रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के लिए, तीनों चीज़ों के लिए प्रिपेयर होके आएँ। भले ही आप लोगों को ये बोला जाता है कि आपका रिज्यूमे सिलेक्ट, जनरली जो कॉल आता है कि दैट योर CV सिलेक्टेड एंड यू हैव टू कम टू स्कूल टुमारो एट दिस वन, तो अगर आप लोगों को बुला रहे हैं इंटरव्यू के लिए, तो एक तो फ़ोन पे ही पूछ लीजिए अगर कॉल आए कि इज़ देयर डेमो, पूछिए कि डेमो है और इज़ देयर एनी रिटन टेस्ट, क्योंकि हर एक अच्छे स्कूल में रिटन टेस्ट, डेमो, इंटरव्यू तभी होता है। तो इसीलिए अपने घर से हमेशा डेमो के लिए एक टॉपिक प्रिपेयर करके जाएं, अपना सब्जेक्ट बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं। इवन अगर आप किसी भी प्राइवेट स्कूल में अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको अपना पहले से ही अपने सब्जेक्ट को पढ़ते रहना है, ताकि क्योंकि कभी भी कॉल आ जाता है तो हम लोग इतने ब्लैंक हो जाते हैं, बट हमारा अगर सब्जेक्ट नॉलेज बहुत अच्छा होता है, तो हम कहीं पे भी
हार नहीं मानते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल एक अलग ही लेवल का होता है जब हमें सारी की सारी नॉलेज होती है इसी. एंड अपना इंट्रोडक्शन ऑलवेज प्रिपेयर इट इन इंग्लिश ओनली. सो टिल द टाइम थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे.